30 लाख रोजगार हैं जो आज खाली पड़े, उसको हम भर के आपको दे देंगे। हर ग्रेजुएट को एक साल के लिए पेड अप्रेंटिसशिप का अधिकार। लॉ ऑन पेपर लीक सो दैट वी फॉर्मलाइज हाउ एग्जाम्स आर डन। ए कॉन्सेप्ट वेयर वी आर टेकिंग 5000 करोड़ सो दैट यंगस्टर्स लाइक यू कैन गेट दैट मनी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, क्या डिस्कस करना चाहते हैं? सर, मैंने बीएससी बीएड किया है। मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेट तक पास की है। सरकार है कि वो कायमी भर्ती नहीं कर रही, तो सर जी हमें आपसे ये उम्मीद है कि आपकी सरकार आए और हमें कायमी भर्ती मिले। ये जो आजकल का हिंदुस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम है, आप यंग लोग हो, आपको आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? सर, जैसे ये अपने टी शर्ट या कुछ भी आता है, फोन होता है, वो मेड इन चाइना या बाहर से आता है। वेरी गुड। तो प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? बाहर से, सर। चाइना में? चाइना से। तो जॉब कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। ठीक है, उसको बेच कौन रहा है? जो उद्योगपति और वो उनके। तो क्या हो रहा है, चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जा रहा है, चाहे वो सेलफोन हो, इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स चाइना से आएंगे, यहाँ पे असेंबल कर देंगे और फिर कहेंगे मेड इन इंडिया। नॉट मेड, इट इज नॉट मेड इन इंडिया, इट इज असेंबल्ड इन इंडिया। असेंबली में और मेक इन इंडिया में बहुत फर्क। मेक इन इंडिया मतलब ये पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है ये यहाँ बना है, लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। असेंबल्ड इन इंडिया मीन्स इसके सब पार्ट चाइना में बन रहे हैं और वहां पे मतलब 10 15 20 लोगों को जॉब मिल रहा है और यहाँ पे एक बंदे को जॉब देने वो जोड़ रहा है। और हमारे उद्योगपति क्या कर रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट को यहाँ बेच रहे हैं, फायदा चाइना के बंदे को हो रहा है और हमारे बड़े उद्योगपति को। 30 लाख रोजगार हैं जो आज खाली पड़े हैं, उसको हम भर के आपको दे देंगे। बिना प्रोडक्शन के सिस्टम को शुरू करना हिंदुस्तान के सामने कोई चारा नहीं। हमें सिंगल माइंडेड यही कहना चाहिए, भैया मेड इन इंडिया चाइना में माल बिकेगा और हमारे युवा ये करके दिखाएंगे। ये माइंडसेट ये होना चाहिए। जो भी जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होके निकलते और कहीं कहीं जगह बाय चांस अगर जॉब प्लेसमेंट आ गया तो उसमें जॉब सिर्फ कॉल सेंटर। यही जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में एक चीज़ प्रपोज की है। हर ग्रेजुएट को, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, हर ग्रेजुएट को राइट टू अप्रेंटिसशिप दे। हर एक ग्रेजुएट आपसे कहेगा कि भैया मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, एक साल की है, उसमें मुझे मेरी बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी और 1,00,000 रुपये मेरे पॉकेट में एक साल का मिलेगा। तो ये हम करने जा रहे हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट वेयर वी आर टेकिंग 5000 crores right now and sending it to the districts so that youngsters like you can get that money to start your own business. We are going to make a law on paper leak so that we formalize how exams are done. We don't allow this business of outsourcing exams and then we punish people who leak papers or try to take advantage of the system. University degree ka matlab yehi hai na ki aapko rozgar milega aur salary milegi. मगर लोग ये कहते हैं कि भैया मैं डिग्री ले लूँगा, बट फिर नेक्स्ट स्टेप जो है कि भैया पैसा कहाँ है, किसके हाथ में है, मेरे पास आ रहा है नहीं आ रहा, वो सवाल पूछते हैं। तो मेरी थिंकिंग है कि एग्जैक्टली आपको पता लग जाना चाहिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हर रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उधर जैसा बैठे हुए, उसको आपने क्रिकेट का चेयरमैन बना दिया। अब अगर आप रियलिस्टिकली देखोगे तो हो क्या रहा है, जो पैसा क्रिकेट वालों को जाना चाहिए वो पैसा जैसा को जा रहा है और हर फील्ड में हो रहा है। If you want to understand the crux of how I think about it, I think India and its government should support the people who have skill and that skill should be respected.